तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मंडली कैटल फार्म। और जो है ना यहाँ पे कुछ जानवर जो है वहाँ पे गेट की तरफ खड़े हुए हैं। वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सारे बड़े बड़े जानवर वहाँ पे खड़े हुए हैं, और कुछ मेरे पीछे हैं जो कि ऑल्सो बहुत ज़्यादा बड़े जानवर हैं। और असल जो ये मेन एरिया है जहाँ पे वो जो है रहते वगैरह हैं और खाना वाने का सीन है वो यहाँ पे अंदर। तो अभी थोड़ी देर में इन सारे जानवरों को यहाँ पे ले जाया जाएगा। जब तक मैं एक एक करके ना तुम लोग को सारे जानवर दिखाता हूँ जो मेरे पीछे हैं या अंदर है या वहाँ है, सारे दिखाता हूँ। तो भाई हमारे पास एक जानवर आ चुका है, बड़ा वाला, काफ़ी शरीफ लग रहा है, और आई होप शरीफ ही रहे वरना फिर हमारा जो है ना हालत टाइट कर देगा ये। तो इसको जो है थोड़ी सी वॉक कराते हैं और फिर इसको जो है दूसरी जगह बांधना है। खून नहीं है उसकी, नकील का है। ओके, इसको थोड़ा सा टहलाते हैं। और तुम लोग जानवर अल्हम्दुलिल्लाह देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा और अच्छा जानवर है। तो इसको बस आगे से ही यहाँ से टर्न कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना इतने बड़े जानवर का रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसकी आंखें बड़ी प्यारी है, पिंक आंखों वाला है ये, और बहुत ही तमीज से चल रहा है। जितना बड़ा जानवर होता है उतना अच्छा होता है, छोटे जो होते हैं ना वो रॉकेट होते हैं। चलो भाई बांध लो इसको। तो भाई अभी फिलहाल जो है ना यहाँ पे सारे बड़े बड़े जानवर यहाँ पे खड़े कर दिए, ये तीनों नुखरे खड़े कर दिए। उसके पीछे एक ब्लैक है जो सबसे ज्यादा यहाँ का शपाटर बच्चा है। तो जो है ना हमारे पास है ये भाई अहमद भाई नाम सेट है, करें। तो सलाम इनसे बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल पूछते हैं जानवरों के बारे में। वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इनके बारे में लाइन साहब डिटेल थोड़ी सी बताते हैं। ये है इनकी, ये हमने बच्चे से पाले हुए यार। ये खीरे खीरे हमने लिए थे छोटे छोटे से। अभी ये कोई दांतों में चार है कोई छह है, ऐसे पाले हुए ये। और ये सारे हमने किसी शौक में खरीदे थे, बस एक शौक है और हमारा। ये तीनों नुकरे हैं। तीनों नुकरे ये माशाल्लाह, तीनों सही। चोलिस्तानी नुकरे ये। फिर ये ब्लैक है हमारे पास जम्बो बुल, और बुल रेड है ब्रेमेन। अच्छा, ब्लैक कौन सा है? ब्लैक हमारे पास वो स्लेगर है, क्रॉस में अच्छा, क्रॉस में। जी। सही। और ये सबसे खतरनाक मतलब है खतरनाक बुल मारने हमारे वाले? पास यही है, सबसे खतरनाक यही है, सही। सबसे खतरनाक बुल यही है हमारे बाड़े का। ये किसी को भी नहीं बख्शता ना, इसको दो गवाले इसके खिलाते कितने हैं। दांत का हो गए? ये दांतों में अभी हुआ है, छह हुआ है, छह छह दांत का हो है। रहा है। सही सही। और बाकी ये तीनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खूबसूरत जानवर है सारे। माशाल्लाह, और ये अलग अलग दांतों के? अच्छा, ये अलग अलग दांतों के, इसमें कोई खीरा भी है, एक बच्चा इसमें सिर्फ खीरा अपना, इनमें से ये एक वाला, खीरा भी है, ये ये वाला। खीरा। ओके, अभी इनको यहाँ पे बांधा है ताकि लाइन से बड़े जानवर जो है ना शो हो जाए। और फिलहाल ये है मंडली कैटल फार्म, नंबर आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, और फेसबुक पे भी है मंडली जी कैटल जी फार्म के नाम से। और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं अगर करना हो तो। अभी और माशाल्लाह, एक जो यहाँ का सबसे बड़ा जानवर है वो भी वीडियो में शो करेंगे, तो फिर देखते हैं वो आता है तो। तो भाई ये है इस कैटल फार्म की महारानी, और ये छः है दांतों में और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज साइज है। और इसके जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ब्रह्मीन नस्ल है ये। है, और जो है काफ़ी ज़्यादा शरीफ है। और तुम लोग देख सकते हो बहुत मतलब बड़ी ह्यूज साइज के जो होते हैं ना रानी, यहाँ की, मतलब हाँ रानी, वो जो होती है क्या कहते हैं, एक सबसे ज्यादा जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है वो वाला जानवर है ये। तुम लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा ये अच्छी है। और इसको जो है थोड़ा सा हम चला के भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको टहलाते हैं और फिर देखते हैं कैसी है ये। तो तुम लोग जो है पूरा इसको देख सकते हो कैसी है यहाँ पे, तो इस तरफ लाते हैं इसको और जो है देखते हैं। और हमारा प्रॉफिट चढ़ने में इतनी ज़्यादा तुम लोग देख सकते हो बेस्ट है, तो हम लोग इसको उस तरफ लेके चलते हैं। यहाँ से जो है इसका साइज़ एक बार आप लोग चेक करो, सीधी खड़ी रखते हैं तो यहाँ पे आप इसका साइज़ देखो। ये जो है यहाँ की महारानी है, इसका नाम भी महारानी है महारानी ये। ए इसको गुस्सा आ गया फुल खतरनाक वाला। और ये भागी क्यों होगी अभी? ये अभी इतने भागी, आपसे घबरा रही है ना। असल में इन लोगों ने शलवार कमीज वालों के अलावा और कोई नहीं देखे, और पैंट शर्ट आते हैं तो ये घबरा तो जाते यहाँ पे जो वो संभालने वाले होते हैं ना ये उनके अलावा किसी को जानती नहीं, इसलिए भागी है और वहीं पे खड़ी हो गई। देखो ये हैं। मेरे से डर गई थी, लेकिन चलने में बहुत मतलब लश जानवर है ये। ये आ गया बबलू भाई, ये बाड़े का ये है बबलू, ये क्या दांतों में ये वगैरह, दांतों में, ये भी छे हो गया। ये भी छह दांतों में। और इसके ये कौन सा है? ये देसी ब्रीड में रहींगर खान से खरीदा गया था, अच्छा, ये देसी देसी ब्रीड ब्रीड का में है बच्चा है, पंजाब ब्रीड ये। में है आप ये। लोग देखो इसकी ऊंचाई चेक करो, अंदाजा नहीं है कितने मन का होगा। तकरीबन अभी वेट पे, लाइफ वेट होगा इसका
कम से कम भी 22 से क्रॉस होगा, 22-23 मंथ कंफर्म है लाइफ वेट। ओके, और अगर इसको अगर मंडी में अभी खरीदने जाए इसकी क्या डिमांड? मंडी के अंदर इसकी डिमांड होगी, मुझे जो लग चुके हैं मंडी का तो खैर पता नहीं है, मुझे जो यहाँ भाड़े के अंदर ही लगे हैं पैसे फॉर्म पे 20 लाख रुपए की ऑफर है। 20 लाख की ऑफर है इसमें, और ये मतलब इनको कलर में पांडा कहलाता है, पांडा कलर है ये। ओके, पांडा कलर है ये, और ये भी मतलब 22-23 मन का बड़ा जानवर है, बबलू नाम है इसका। ये भी एक बड़ा आया है 44 लाख। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ जानवरों के बच्चे। तो तुम लोगों ने जानवर तो देखे होंगे लेकिन उनकी माओ के साथ जो इनके बच्चे हैं ना वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, बिल्कुल न्यू बॉर्न टाइप के हैं और उससे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं बच्चे। तो चलो अंदर लेके चलता हूँ, बच्चे उस तरफ खड़े हैं वो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे बच्चे औसे जहाँ लेके जा रहे हैं। शपाटर बच्चा है तो भाग गया, छोड़ा क्यों पागल? तो भाई अभी इन्होंने हमें बोला है कि यहाँ पे बकरे भी हैं, तो बकरे भी देखते हैं, मोर वगैरह भी हैं वो भी चेक करते हैं। ये देखो खाने वाना भी बन रहा है यहाँ पे। किधर हैं बकरे? बकरे बकरे आ गए, बकरे भी चेक, एक को पकड़ेंगे बकरे वैसे जगह वैसे। ये रहे बकरे, ये दुम्बा। दुम्बा नहीं है, बकरा है, दुम्बा है। जाओ बकरों को हाथ लो यार, तू ये तो अंदर है। बच्चा पूरा पूरा बच्चा पूरा किधर है? ये वाला बच्चा तो है, कहाँ है? ये जो खड़ा हुआ है सिंह वाला, ये आया, एक और आया। ये बच्चा है? नहीं नहीं, वो वाला वो जो नहीं इधर देख रहा है, मुझे ही देख रहा है, वो ब्राउन वाला, वो वाला यार, वो उसको यार निकालवाता हूँ जरा। नहीं नहीं, पूछ के निकलवा। घोड़े भी हैं यहाँ पे, उसने घोड़े भी हैं। घोड़े? घोड़े भाई ये तो खुला भाई, हम में ही ना घुस है ये, वैसे होते भी ऐसे, ये तो ऐसे बकरे बहुत कुलाट होते हैं। और ये रे गाइस घोड़े तुम लोग देख सकते हो, गधा, ओ घोड़ा, गधा नहीं है घोड़ा, ये है घोड़े। तो भाई ये थे वो कैटल फार्म जिसका नाम था मंडली कैटल फार्म, एंड यहाँ पे जो है विजिट किया। और तुम लोग को अगर यार ऐसे कैटल फार्म्स के ऊपर और वीडियोस चाहिए ना तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं समझ जाऊँ। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अब मंडी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे कैटल फार्म मंडी वगैरह की वीडियोज आती रहेंगी। और जो है आई होप कि हम अगले वीक भी यहाँ पे विजिट करेंगे तो मैं तुम लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। और ये थोड़ा सेपरेट व्लॉग बना दिया था मैंने कैटल फार्म का क्योंकि जो है डेली व्लॉग से थोड़ा सा हटके था ये। और जो है यार ये था कैटल फार्म, और ये हाईवे कराची के गेट से आगे है, तुम लोग जो है मैंने नंबर भी दिया था उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर करना हो तो। और यस, फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डेली व्लॉग में। जब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।